नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू सम स्पेसिफिक एंगल पे। और जो हमारे पास एंगल है उन एंगल को हम स्टैंडर्ड एंगल बोल रहे हैं। और वो कौन कौन से एंगल है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। इन एंगल पे हम डिफरेंट जो हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनकी क्या क्या वैल्यू होती है, वो क्या क्या रेशो बनाते हैं इन एंगल्स पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, सेकंड वन इज कॉस थीटा, नेक्स्ट इज टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट में आ जाता है हमारा कॉट थीटा। क्लियर है? ठीक है, मैं थोड़ा सा टेबल क्रिएट कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ टेबल की फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड एंगल है हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये टेबल बनाई गई है, ठीक है, ताकि आप, वैसे तो धीरे धीरे क्वेश्चन इतने करेंगे कि आपको ये वैल्यूज़ ही याद हो जाएंगी डायरेक्ट, पर शुरुआत के लिए ठीक है कि आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए एक बार। तो बढ़िया, कहीं पर भूल जाओ तो भैया टेबल तो याद रख लेना, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है ध्यान से रखिएगा, हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 0/4, इस तरह से लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 एंड लास्ट में 4/4। और इन सभी का क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, साइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सभी का अंडर रूट। और 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर हमने कहा कि 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू होगी 0। 1/4 में अगर सॉल्व करूँ, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना, 2, ठीक है। इसको कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 और 4 का अंडर रूट कितना, 2। 4 से 4 कैंसिल 1 और 1 का अंडर रूट क्या होता है आपका, 1 होता है ना। स्क्वायर रूट जो है इनका निकाल दिया, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 का 1/2 कैंसिल हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यू निकाल दी। तो उम्मीद करते हैं साइन थीटा की ये वैल्यू आपको पता चल गई होगी, है ना। तो याद रखिएगा ये वैल्यू आपके सबसे पहले 0, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ 0। ये वैल्यू है 1/2, 1/2, नेक्स्ट इज 1/√2, 1/√2, 1/√2 और ये वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी √3/2। तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, उन इन स्टैंडर्ड एंगल पर आपको निकालना आ गया होगा, है ना, कोई मुश्किल नहीं था। 0/4 रखा, 1/4 रखा, 2/4 रखा, 3/4 रखा और 4/4 रखा और उसको सॉल्व कर दिया। अब कॉस थीटा के केस में क्या करना है, उसको उल्टा लिखना शुरू करना है। पहले लिखना है 1, इसको इस तरह से लिखा वो उल्टा लिखा जाएगा 1, √3/2, नेक्स्ट इज 1/√2, 1/√2, नेक्स्ट इज 1/2 और लास्ट में क्या आ गया, 0। अब कॉट 10 थीटा के केस में क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, या यूं कह लो कि इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0। 1/2 को √3/2 से, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, 1/2 मल्टीप्लाई इसके रिवर्स से, तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/√3। इसको इससे करूँगा तो 1/√2 इंटू √2/1, तो ये कैंसिल होकर क्या ही आ जाएगा, 1। इसी तरह से ये सॉल्व करूँगा √3 और 1 के बाय में कभी भी 0 हो तो वो क्या आता है आपका, नॉट डिफाइंड। वो चीज़ क्या नहीं होती, कभी भी डिफाइंड नहीं होती। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो 0 से डिवीजन कभी भी पॉसिबल नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। तो 1/0 इज ऑलवेज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक। कॉसिकेंट क्या होता है, साइन का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट 0/1 है तो हो जाएगा 1/0 और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का तो 1 ही। सेकेंड में क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल करना है, तो इसका 1, ये 2/√3, ये √2, ये 1/2 है तो रेसिप्रोकल होके 2/1 यानी कि 2। अच्छा 0 है तो 0 का बाय में 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/0 और 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं 10 की, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड कैसे आया होगा, 0/1 करके। तो सबसे नेक्स्ट इज 10 थीटा कर रहे थे ना, 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा अपना, √3, ये क्या हो जाएगा 1 का, 1, ये √3 है, बाय में 1 है तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। क्लियर है ये वाली बात, उम्मीद करते हैं टेबल आपको बनाने आ गई होगी। वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद बना लें ताकि आगे के क्वेश्चन आपको ईजिली क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप
अच्छा मैं इसको देखना बता देता हूँ कि देखते कैसे। मान लो वो मेरे को कह दे कि आपको कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो हमने देखा कॉस ये रहा, 45 ये रहा, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, दोनों जहाँ पे मिल रहे होंगे ये और ये, तो कितना आ गया 1/√2। मैं अगर आपसे कहूँ tan 30 कितना है, तो tan 30 आप कहेंगे 1/√3। मैं कहूँ tan 60 कितना है, तो आप कहेंगे √3। मैं कहूँ tan 45 कितना है, तो आप कहेंगे 1। secant 45, तो secant 45 कितना आपका √2। क्लियर है, देखना भी आ गया बनाना भी आ गया। तो अगर देखना भी आ गया बनाना भी आ गया तो आप क्वेश्चन करने भी आने चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, बच्चे ये सोचता है कि मैं अभी याद कर लूँ रट्टा मार लूँ। रट्टा नहीं मारना, इसका रट्टा नहीं मारना। ये याद कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कहेंगे, वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आप चाहे मुझसे पूछ के देख लें कि सर इसकी वैल्यू क्या है, मैं झटके में बता दूंगा। जैसे आप टेन 45 मेरे से पूछे तो वन, मुझे सारी वैल्यू याद है। क्यों? क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मारा, मैंने क्वेश्चन किए हैं, मैंने करवाए हैं, मैंने खुद भी करे हैं। क्लियर बात। अच्छा जैसे मैं कहूँ 5 × 2, तो एकदम मन में आ रहा होगा 10। मैं कहूँ 3 × 5, तो आप कहेंगे 15। 6 × 2, तो आप कहेंगे कितना 12, है ना, ये एकदम बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ 75 × 305, यहाँ पर मुश्किल आ जाएगी। क्यों? इसकी प्रैक्टिस नहीं है। वो तो बचपन में आपको चप्पलें थप्पड़ थप्पड़ मार के पूरे टेबल आपको 10 तक याद करवा दिए गए थे, तो 10 तक जितने भी टेबल हैं वो सबको याद होंगे। अगर भाई साहब याद नहीं है ना, तो जीवन बहुत अंधकार में है, ध्यान रखना। अगर ऐसे मन में कह रहा हूँ कि मुझे तो 10 तक भी नहीं आते, फिर तो तुम्हारा भगवान ही भरोसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वेरी फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू दिस वन, 10 × 30, 1 + 10²³। ठीक है, आपने टेबल बना ली है, ठीक है, उस टेबल में वैल्यू देखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है 10³। तो 10³ सबसे पहले 2 × अच्छा चलो पहले 10³ की वैल्यू बताएंगे। 10³ की वैल्यू बताओ भाई कितनी हो सकती है, अभी याद नहीं होगी, कॉपी में भी लिखा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अरे कोई बात नहीं, सर करा देंगे, बाकी तो खुद करना सीखो। वीडियो को पॉज करो, एक बार टेबल को बनाओ, फिर मुझे बताओ। अब यहाँ तो बता नहीं पाओगे, लाइव क्लास तो है नहीं, कोई बात नहीं, मान के चल लेते हैं कि भाई आपको पता है। तो जो साइन 30 होगा वो होगा हमारा 1/√3, है ना, 1/√3। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा कि 1 + ये 10³ जो है हमारा वो 1/√3 है, तो 10²³ कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/√3 का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। क्या कर दें हम, स्क्वायर कर दें। क्लियर है बात। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा सर 1/3। तो ठीक है, 1/3 स्क्वायर करके तो वैल्यू सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 2/√3, इधर से एलसीएम लिया तो ये हो गया 4/3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई में 3/4, ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई कर दे, कैंसिल कर दे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अच्छा इस 3 को ऐसे ले सकता हूँ, √3 × √3 3 हो जाएगा ना, 2/√3 मल्टीप्लाई 2, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया √3/2। क्लियर है, तो आंसर आ गया √3/2। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट मैंने क्या करी है, वैल्यू पुट करी है और उसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पहले खुद सॉल्व करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे से पहले आपने सॉल्व कर दिया था और आपको आता था, ये कि सर आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये तो मुझे आता ही है। ये उसके लिए करवाया जा रहा है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री को। कई लोग कहेंगे इसमें हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी लगा सकते हैं कई जगह, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, 2 × 10³ अभी भी बताया 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 जो होता है वो होता है आपका √3/2, और इसका भी क्या स्क्वायर, साइन 60 का मतलब है √3/2 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भाजनाम इन जनाब से क्या हो गए, कैंसिल हो गए सीधा सीधा, है ना। कॉस 30 जो होता है वो आपका √3/2 और साइन 60 √3/2 सीधा सीधा कैंसिल हो गए। बस इसको सॉल्व करना है, 2 × 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो आंसर आ गया 2/3 जो आ गया वो इसका करेक्ट आंसर आ गया। बस क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है, चल बढ़िया है फिर तो, जब डाउट नहीं है तो सॉल्व कर दे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, टेन ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री, और जो ए और बी हैं, ए और बी जो हैं, दे आर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसी तरह से ग्रेटर देन जीरो, इसी तरह से बी भी जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन जीरो. मतलब यूं कह दे कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है. कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल. ये लिख लो बस, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? हमने देखा ये टेन है, तो ये टेन पर देखना पड़ेगा. टेन कितने बार रूट थ्री होता है? तो हमने कहा टेन ए प्लस बी, और टेन रूट थ्री जो होता है वो होता है अपना 60 डिग्री पे. कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे रूट थ्री होता है. तो हमने कहा कि ए प्लस बी जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया? तो आपने कहा 60 डिग्री के इक्वल आ गया. क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री. इसी तरह से टेन ए माइनस बी जो है आपका वो रूट थ्री, और ये रूट थ्री होता है टेन 30 डिग्री पे. कितने पे? टेन 30 डिग्री पे. टेबल में देख लो वैल्यूज जो अभी भी आपने बनाई है, इवन आपने बनाई नहीं है मेरे कहने के बाद भी, जानता हूँ मैं आपको अच्छे से. तो ए माइनस बी, एक मिनट, ये तार ना परेशान कर रही है, कोई बात नहीं, चढ़चढ़ हुई होगी 30. बस इनको सॉल्व करके हमको किसकी वैल्यू निकाल देनी है? ए और बी की. तो सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड. बी से बी कैंसल, डबल ऑफ ए इक्वल टू कितना? 90 डिग्री. तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 45 डिग्री. तो ए 45 आ गया, यहाँ रख दिया हमने. 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री. तो बी जो एंगल आ गया वो आ गया हमारा 15 डिग्री. ए आ गया 45 डिग्री, बी आ गया हमारा 15 डिग्री. बताओ यार ये परेशान कर रहा है. हाँ, क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा. आज की क्लास का जो पर्पस था वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सम स्पेसिफिक एंगल पर वो क्या क्या वैल्यूज़ देती हैं वो बताना था. तो उम्मीद करते हैं ये समझ भी आ गया होगा. जस्ट ये वैल्यू पुट करना है और बाकी आपका कैलकुलेशन का पार्ट है. तो इससे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है. वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हैं इस एक्सरसाइज के. तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है. हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी नए कंसेप्ट के साथ. ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ जो चल रही है हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए नमस्कार.